आपके घर में ही है कि दो दिनों का सत्संग सुनो, साप्ताहिक ध्यान शिविर में चले जाओ, सात दिन के ध्यान, दो दिनों के कई सत्रों का सत्संग, एक चित्रहार देखने से जैसे आठ वाली बार में सब कुछ बह गया, उस साप्ताहिक ध्यान का प्रभाव, दो दिन के कई सत्रों के सत्संग का प्रभाव, आठ वाली बाढ़ में जैसे सबको बहा करके ले गया पानी, सबको बहा नहीं चला गया, ठहरेगा नहीं। ये सारा सुधार करने की जरूरत है। एक सुंदर सभ्य समाज का निर्माण चाहते हो तो, अपने बच्चों को आदर्श देखना चाहते हो तो, आज तो शिक्षा गिर गई यहां की, तीन तो प्रमुख कारण है, एक तो टीवी और दूसरा कारण है गुल्ली डंडा मतलब क्रिकेट और तीसरा सबसे जहरीला है ये मोबाइल, तो लेकर के बैठ गया सबको। लड़कियों को देखो, लड़कों को देखो, सब खड़ा खड़ा। मैं नेपाल में, बिहार में भी देखता हूँ, नेपाल में चला जा रहा था दमक के आगे, फोन पर लोगों ने कहा कि कुछ भक्त लोग मिलना चाहते हैं गुरु साहब से, गाड़ी हमारी खड़ी हो गई, जब तक लोग आएंगे तब तक एक लड़की को मैंने देखा, कॉलेज वाले की छात्रा होगी, वो सड़क के किनारे एक डायरी लिए हुए मोबाइल बजा रही थी। अब कब से खड़ी होकर के मोबाइल बोल रही थी, वो मोबाइल पर सुन रही थी तो पता नहीं, इन आधे घंटे से अधिक हो गए लोगों को आने में, बातचीत करके तब तक वो मोबाइल बजा ही रही है। हमने कहा इतना फोन तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी नहीं आता होगा, आखिर क्या हो रहा है सब? माता पिता को ख्याल नहीं है, छोटी छोटी बच्ची को मोबाइल दे देते हो, घर में ला करके मुफ्त में मिल जाता है, तिलक दहेज में रंगल का टीवी दे देते हो, बच्चों के नसीब को बिगाड़ रहे हो। कभी भी घर के अंदर अश्लील पोस्टर्स नहीं हो, कभी अश्लील साहित्य नहीं हो, अश्लील वातावरण नहीं हो, बहुत मेहनत लगती है। राम को बढ़िया बनाने में कौशल्या दशरथ को बहुत मेहनत करनी पड़ी तब राम तैयार हुआ, बहुत मेहनत करनी पड़ी नंद जसोदा वसुदेव आदि को तब भगवान कृष्ण पैदा हुए, मंगनी में नहीं हुए थे, व्यवस्था बनानी पड़ी उसके लिए, कितनी मेहनत करनी पड़ी माँ पुतली को, गांधी को गांधी बनाने में, गांधी जो भी बना है उसके बनाने का श्रेय आदर्श माँ पुतली को है। आज इन तमाम बहनों को, माताओं को माँ पुतली होने की जरूरत है, निगरानी करो अपने बच्चे की। सीधे बाल बच्चा पैदा कर देने से हम माता पिता नहीं हैं। आजकल माता पिता का जीवन एक फैक्ट्री हो गया है, कारखाना हो गया है बाल बच्चा पैदा करने का। बाल बच्चा पैदा कर देने से आप सच्चे माता पिता नहीं हो, पूर्ण और आदर्श माता पिता तब हो जब अपने बच्चे को जन्म दिया, लड़का हो या लड़की, उस लड़का और लड़की पर तीन रत्न उतारने का प्रयास करो, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। लड़का हो तो विद्वान हो, सुन लेना, हर माता पिता ध्यान दें, पूर्ण और आदर्श माता पिता बनना चाहते हो तो हर माता पिता को चाहिए कि लड़का अगर है तो विद्वान हो और लड़की यदि है तो विदुषी हो, लड़का यदि है तो पहलवान हो बलवान हो और लड़की है तो बलवती हो, लड़का है तो चरित्रवान हो और लड़की हो तो चरित्रवती हो। लीजिए संकल्प, देखिए देश कैसा हो जाता है। लड़का बलवान हो लड़की बलवती हो, लड़का चरित्रवान हो लड़की चरित्रवती हो, लड़का विद्वान हो लड़की विदुषी हो, आपका नैतिक दायित्व है। आपके तमाम बच्चे चरित्रवान हो,